एक चिड़िया की ये दो बातें याद कर ली, जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं, जो कि ये कहानी बहुत ही महत्व रखती है। अर्थात इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। तो आज आइए दोस्तों, कहानी पर ध्यान देते हैं। बंधुओं, एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहा करता था। उसने एक दिन अपने मन में ये विचार किया कि हम भी कुछ दान और पुण्य करेंगे। अपनी रानी के पास गया और कहा कि रानी, हम कुछ पुण्य करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तो रानी ने कहा, महाराज आप ऐसा करो, कल बहुत सुंदर बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाओ और पूरी प्रजा को आमंत्रित करो और घर पे बुला करके उन्हें वो व्यंजन का स्वाद दिलवाओ, अर्थात भोजन करवाओ। वही हुआ। दूसरे दिन राजा ने अपने यहां बहुत सुंदर व्यंजन तैयार करवाए, पूरी प्रजा को आमंत्रित किया और अपने यहां बुला करके प्रजा को भोजन करवाना शुरू किया। सुबह से और शाम तक प्रजा के लोग वो सुंदर स्वादिष्ट भोजन करने लगे। दोस्तों, शाम हो गई और उसी शहर में एक जगह आश्रम पर, कुटिया पर एक महात्मा जी रहते थे। वो कहीं भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। शाम को जब लौट करके आए तो एक प्रजा के व्यक्ति ने कहा, महाराज आज राजा ने अपने यहां बहुत सुंदर व्यंजन तैयार करवाए हैं। सुबह से और शाम हो गई, पूरे प्रजा के लोगों ने वहां सुंदर भोजन खाए और आप कहां रहे? आपको भी आमंत्रित करवाया है लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। आप भी जाइए और राजा के यहां सुंदर से भोजन ग्रहण करो। दोस्तों, वो महात्मा राजा के यहां पहुंचे। जब राजा के यहां पहुंचे हैं तो राजा ने देखा, तो राजा ने रानी से कहा, ऐसा करिए रानी, एक सुंदर सी भोजन की थाली ले आओ और इन महाराज को भोजन करवाओ। रानी थाली सजा करके लाती हैं और उन महात्मा को बैठाल करके वो भोजन की थाली उनके सामने रख दी और राजा दरबार की तरफ निकल गया। महात्मा जी भोजन करने लगे, रानी महल के अंदर चली गई। महात्मा जी जब भोजन कर रहे थे तो ऊपर उनकी एक निगाह पहुंच गई। क्या देखा है कि खुटी पर एक सोने का हार टंगा हुआ है। भोजन करने के साथ साथ उन महात्मा के दिमाग में ये विचार आया, अगर ये हार सोने का मैं चुरा लूं तो हमारी गरीबी, अर्थात मैं जो गरीब हूं, रात दिन भिक्षा मांग करके खाता हूं, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा और पूरा जीवन हमारा इसी हार से व्यतीत हो जाएगा। ये सोच करके राजा का वो हार खुटी से महात्मा जी ने चुरा लिया और भोजन करने के बाद वो हार चुरा करके महात्मा जी अपनी कुटिया पर चले गए। लेकिन उन साधु के लिए रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगे, कहीं अगर मैं सो गया तो ये हार कहीं चोर न ले जाए। ये सोच करके वो साधु पूरी रात जागते रहे, बिल्कुल नहीं सोए। और सुबह जब हुआ तो वो साधु शौच क्रिया करने के लिए गए। शौच क्रिया करने के लिए जब गए थे, जो अन्न राजा का खाया था वो जब बाहर निकल गया शौच करने के बाद, तो साधु की बुद्धि कुछ भ्रमित सी हुई। फिर विचार में यह आया कि मैंने गलत किया है, जो एक राजा की रानी का हार चुरा लिया। मैं तो एक महात्मा हूं, मैं दूसरों को शिक्षा देता हूं कि चोरी करना पाप होता है, लेकिन यह गलती मैं खुद ही कर बैठा, ये पाप मैं खुद ही कर बैठा। अब मैं ये हार राजा को वापस करूंगा। ये सोच करके
वो साधु राजा के दरबार में गए और जो हार चुरा के ले गए थे वो हार राजा को वापस किया। राजा कहने लगा, श्रीमन ये हार आपके पास कैसे आया? तो साधु ने सारा वृतांत उस राजा से कहा कि मैंने आपका अन्न खाया था। पहली बात ये कही कि सुनिए राजन, जैसा खाओ अन्न वैसा होता मन। जैसा आप अन्न खाओगे वैसी ही हमारी बुद्धि बनेगी। आपका मैंने अन्न खाया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने हार चुरा लिया, और जब मैं शौच क्रिया करने के बाद मेरी बुद्धि में झटका लगा कि मैंने गलत किया है, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि हे राजन, तेरा जो अन्न खाया था वो पाप का था, धर्म का नहीं था। और दूसरी बात यह है कि राजा को चाहिए कि पापों को पहचानना कि कहीं हमारे यहां पाप का धन तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं बढ़ रहा है। ये हमेशा राजा की ये जानकारी लेना चाहिए, यही धर्म होता है। और इतने शब्द कहने के बाद में वो साधु तो चले गए। इधर सारी बात उन साधु की राजा ने रानी से कही, तो रानी ने कहा, महाराज दुखी मत होइए, कल भिखारी का भेष बना करके प्रजा के पास में जाइएगा और अपनी स्वयं बढ़ाई कीजिएगा कि राजा बहुत बढ़िया है जिसने सुंदर से सुंदर व्यंजन कल करवाई। वही हुआ, दूसरे दिन राजा ने भिखारी का भेष बनाया और ये प्रजा के पास में गए, एक व्यक्ति से कहा कि कल राजा ने जो भोजन करवाया था वो बड़ा ही अच्छा व्यंजन था, कितना बढ़िया राजा है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, काहे का बढ़िया राजा है? अरे वो राजा पापी है जिसके कर्मचारी लगान से दोगुना वसूलते हैं और गरीबों को कष्ट देते हैं, उसके यहाँ पाप का धन इकट्ठा होता है, काहे का बढ़िया राजा है? बस यही जानना चाहते थे वो राजा, वापस चले आए। दूसरे दिन दरबार में गए और प्रजा को बुलवाया और प्रजा के सामने उन कर्मचारियों को बुलवा करके पूछा, क्या ये सच है कि तुम प्रजा को कष्ट देते हो और लगान से दोगुना वसूलते हो? तो कर्मचारियों ने अपना सर नीचे झुका लिया। परिणाम ये हुआ कि राजा ने उनके लिए सजाए मौत दे दी, प्रजा के सामने ये सजा सुना दी। और जब ये सजा सुनाई तो प्रजा के लोग उस राजा की जय जयकार करने लगे। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक अवश्य करना और दूसरों को शेयर करना, क्योंकि कहानी हमारी यही कहती है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। तो दोस्तों राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।